नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। 15 मई को विशाल जनसभा होगी गोपाल बाबा धाम पर गौहानी में। सुल्तानपुर विधानसभा 188 दुबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत गांव गौहानी ग्राम सभा में गोपाल बाबा धाम पर 15 मई को विशाल जनसभा होने जा रही। मेनका गांधी की वर्तमान में सुल्तानपुर जिले की सांसद है और जिले के पिछड़ेपन को लगातार दूर करती जा रही है। जिले को हाईटेक बनाने का काम लगातार कर रही इनके सुपुत्र वरुण गांधी वर्तमान सांसद पीलीभीत और पूर्व सांसद सुल्तानपुर ने भी लगातार वही प्रयास किया था। मेनका गांधी को सुल्तानपुर की जनता प्यार से मां कहकर बुलाती है, इसलिए पूरी ताकत लगा दो ताकि ये जीत पूरे देश की प्रदेश की ऐतिहासिक जीत हो। उक्त बातें भाजपा के नेता ने सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम दौरान कही। उन्होंने कहा कि मोदी को 2024 में प्रधानमंत्री बनने से भला कौन रोक सकता है। चुनाव को देखकर सारी पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में एकत्र हो गई, दुष्प्रचार भी कर रही हैं। ये 2019 में भी एकत्र हुए थे, तब भी नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सके, इस बार भी रोक नहीं सकेंगे। कहना ये चाह रहे हैं कि आज भारत की जनता उत्तर विशेषकर उत्तर प्रदेश में लोगों की मानसिकता पहले से बदल चुकी है। गुंडा माफिया को राजनीति से बाहर करने की जनता ने मूड बनाया है, उसी के तहत राम भूपाल निषाद को जहां से आए वहीं वापस 25 तारीख के बाद जनता भेज रही है और जनता जो है पूरे जोश खरोश के साथ माननीय सांसद मेनका गांधी जी को फिर से सांसद बनाने के लिए आतुर है। अब की भारी मतों से, कम से कम 3 लाख मतों से सुल्तानपुर की जनता मेनका संजय गांधी जी को विजयी बनाएगी। ये आने वाली 25 तारीख को भारी बहुमत से कमल फूल निशान वाली ड्रम दबा करके और आने वाली 4 तारीख के काउंटिंग में फिर से जो है हमारी सांसद जो है दोबारा नई बार सांसद चुनी जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 400 का आंकड़ा जो लक्ष्य रखा गया है उसके पार करने की दिशा में अग्रिम रूप से चल रही है। निश्चित तौर पे देश का जो लक्ष्य है, देश को सुरक्षा चाहिए और समाज को जो है संसाधन चाहिए, दोनों पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। देश को विश्वगुरु बनाने की दिशा में काम चल रहा है और गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए आप देख रहे होंगे लगातार प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला के रूप में गैस शौचालय की व्यवस्था हर घर को जल जो है देने का काम जो है इस तरीके से 5 लाख का जो है आपका आयुष्मान कार्ड। गरीबी रेखा में व्यक्ति जीवन भर कमाता था, इन्हीं कामों में अपना जीवन भर का पैसा लगा देता था और कभी गरीबी रेखा से उठ नहीं पाता था। अन्य सरकारें बार बार नारा देती थी कि हम गरीबी हटाएंगे गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी हटाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं होता था। ये पहली सरकार है जो गरीबों का ध्यान दे रही है और निश्चित तौर पर गरीबी रेखा से उनको ऊपर उठाने का जितना प्रयत्न हो सकती है अधिकतम प्रयत्न कर रही है। उसी दिशा में सारे प्रयास चल रहे हैं, उसी दिशा में हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमती मेनका गांधी जी हमारे चुनाव मैदान में है और भारी मोहम्मद से विजयी बनाने के लिए सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अभी 15 तारीख को जो है एक विशाल जनसभा जो है महादेवा में जो है और बाला बाबा के पवित्र स्थान पर रखा हुआ है। 4 बजे सभी लोग वहां एकत्रित होंगे और ये संकल्प लेंगे कि हम जो है माननीय सांसद जी को भारी बहुमत से इस बार जिताएंगे, जो है ऐसा प्रण लेकर हम लोग जाएंगे। क्षेत्र में निकल रहे हैं, किस प्रकार से समर्थन मिल रहा है बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन मिल रहा है, वो चाहे राष्ट्रवाद के मुद्दे पे मिल रहा है, वो चाहे गरीबों का जो उत्थान हो रहा है अंत्योदय के लिए, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है, सिंचाई निराई गुड़ाई खाद बिजली पानी आवास शिक्षा हर क्षेत्र में जो सर्वांगीण विकास किया है ग्रामीणों के गरीबों के उत्थान के लिए, उसके प्रति अपार समर्थन जनता का भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। इस लोकसभा में आदरणीय हमारी जो सांसद हैं मेनका संजय गांधी जी को अपार समर्थन जनता जनार्दन का मिल रहा है। भैया क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र द्विवेदी है, मैं जिला महामंत्री हूँ भाजपा किसान मोर्चा। 15 तारीख को भी एक विशाल जनसभा आप लोगों का करना चाह रहे हैं, इस पर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश की कोई बात ही नहीं है, 15 तारीख को विशाल जनसभा चल होने वाली है
हमारे सभी कार्यकर्ता इस मंडल के लोहरावों मंडल के और सभी प्रधान इसमें अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और जनसंपर्क के साथ साथ सबको ये बताया सूचित भी किया जा रहा है और आग्रह किया जा रहा है कि आप लोग वहाँ जनसभा में भारी से भारी संख्या में पहुँचे और जनसभा को सफल बनाए और आदरणीय मेनका जी के कामों को भी साथ में बताया जा रहा है। जनता जितने लाभार्थी हैं उनको भी हम लोग स्पर्श कर रहे हैं, उनको छू रहे हैं, उनको उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं और बाकायदा प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में उनकी जो है अवगत भी कराया जा रहा है तथा जो लाभार्थी इससे लाभान्वित हुए हैं। सर देखा जाए आप मंडल अध्यक्ष हैं और मंडल में आपको कितना समर्थन मिल रहा है जनता के बीच में? मंडल में हमारे जो है बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है श्रीमती मेनका संजय गांधी के लिए, अपार जनसैलाब जो है वोट करने के लिए तैयार है और 15 तारीख को उनका जो है गोपाला बाबा में एक बड़ा जनसभा होनी है जिसमें कम से कम 10,000 लोगों की संख्या हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। सर देखा जाए यहाँ से उदयराज वर्मा हैं जिले के प्रत्याशी हैं और राम भुवाल भी आए हैं, आप अपनी लड़ाई किससे मान रहे हैं? हम लड़ाई हमारी किसी से नहीं है, हमसे लड़ाई में कौन है, हम तो जीत रहे हैं, हम लड़ाई में कहाँ, सब सारे लोग जो है केवल मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आज हम लोग मंडल के तत्वाधान ग्राम सभा भादा के हैं, ग्राम सभा भादा के मोतीपुर और ग्राम सभा भादा में हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और माता मेनका गांधी को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से हम लोगों की लड़ाई कोई नहीं है, हम जीत रहे हैं लेकिन हम कितने मार्जिन से जीतना चाह रहे हैं, हम लोग 2-3 लाख की मार्जिन से जीतना चाह रहे हैं, इसके लिए हम लोग घर घर दस्तक दे रहे हैं, घर घर संपर्क कर रहे हैं और सभी लोग तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि आने वाली 15 तारीख को गोपाला बाबा बारौली में हम लोगों की लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती मेनका संजय गांधी की एक विशाल जनसभा जो कि करीब आंकड़ा है उसे 10,000 लोगों के बीच में विशाल जनसभा करने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें हम लोग सारे क्षेत्र के लोग चाहे जिस जात बिरादरी के हों चाहे जिस कौम के हों सभी। गोपाला बाबा में जो जनसभा होने वाली है मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को बताना चाहता हूं कि सुल्तानपुर जनपद के विधानसभा के सदस्य विधायक माननीय विनोद सिंह जी पूर्व मंत्री के नेतृत्व में गोपाला बाबा में एक बड़ा कार्यक्रम ब्लॉक स्तर का रखा गया है जिसमें हमारे क्षेत्र के सभी प्रधानगढ़ साथी क्षेत्र के मंडल संगठन के हमारे सारे सीनियर नेता सारे मित्र वो सब लोग अपने अपने समर्थन के साथ अपने सहयोगियों के साथ आने वाली 15 तारीख को 4 बजे गोपाला बाबा में प्रांगण में उपस्थित रहेंगे और विशाल जनसैलाब को सफल बनाएंगे जिससे कि आने वाले 25 तारीख को मेनका संजय गांधी जी के चुनाव निशान कमल के फूल। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।